हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत अच्छे घरेलू टिप्स बताऊंगी जो आप आसानी से यूज़ करके डार्क सर्कल्स आपके आईज़ के चारों तरफ जो हो रहे हैं उससे आसानी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना है तो आपको ये मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे टिप्स बताए हैं जो बहुत इजी टिप्स हैं, जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से घर बैठे ही बिना किसी केमिकल के आप डार्क सर्कल से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे मेरी वीडियो को जो देखते हैं उसमें जो मैं चीज़ें बताती हूँ आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही आप मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ यूज़ करके बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। तो अब आइए दोस्तों, बात करते हैं डार्क सर्कल्स के बारे में, ये किस कारण से होते हैं, इसके रीज़न क्या है होने के। सबसे पहला मेन इसका रीज़न होता है हेरिडिटी। अगर आपके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स या मदर फादर को है तो वो आपको भी होगी, ये नेचुरल है। साथ ही दूसरा कारण होता है एजिंग। एक एज के बाद हमारी आई की स्किन बहुत ढीली हो जाती है और पतली हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे फेस की स्किन से अलग दिखती है, पफिनेस आता है इसमें। और इसके कारण है जैसे बहुत स्ट्रेस लेना, टीवी ज़्यादा देखना, बिना ग्लासेस के पढ़ाई करना या ज़्यादा पढ़ाई करना, और लाइफ में आप किसी चीज़ की स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से आपके डार्क सर्कल्स होने लगते हैं। कभी कभी किसी दवाइयों की वजह से भी होने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। साथ ही अच्छी डाइट लेनी चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए, ये काफ़ी मदद करता है डार्क सर्कल को रोकने में। तो अब आइए मैं बताती हूँ, मैंने इस वीडियो में जो टिप बताई है इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैंने होममेड 4 बेस्ट मेथड बताए हैं जो बहुत इजी हैं, जिन्हें आप यूज़ करके डार्क सर्कल कम कर सकते हैं, आंखों के नीचे एक फूला पफिनेस होता है वो कम कर सकते हैं, आपकी आईज रिलैक्स हो जाएंगी इसको यूज़ करने से, साथ ही ब्राइट और लाइट होगी आई की स्किन, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इन मेथड को ठीक से समझने के लिए और अच्छे फ़ायदे के लिए पूरी वीडियो ठीक से देखें, ठीक से मेथड देखें कि किस तरह से आपको ये यूज़ करना है। तो आइए मैं अब आपको पहली टिप बताती हूँ, पहला मेथड बताती हूँ। मेरी फर्स्ट टिप है, एक मैं आई सीरम बना रही हूँ आलू और खीरे से। आप एक खीरा लीजिए और एक आलू लीजिए, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको आप पील ऑफ करेंगे, छील लेंगे। छीलने के बाद देखिए, मैंने छील के रखे हुए हैं, इसमें मैंने हाफ खीरा यूज़ किया है और एक आलू यूज़ किया है मीडियम साइज़ का। छीलने के बाद आप इसको कद्दूकस कर लीजिए, आलू को और इस खीरे को। कद्दूकस करने के बाद सेपरेटली हम इनका जूस निकालेंगे छलनी की मदद से। एक बोल लीजिए, बोल में आप छलनी रखिए और कुकुम्बर का आप जूस निकालेंगे स्ट्रेन करके। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े से भी जूस निकाल सकते हैं अच्छी तरह से उसको निचोड़ कर। तो आइए अब मैं इसका जूस निकालती हूँ इस तरह से। दोस्तों, खीरे में विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है, साथ ही ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का एक सोर्स है, जिसकी वजह से हमारे डार्क सर्किल लाइट होने शुरू हो जाते हैं और साथ ही ये हमारी आँखों को ठंडक भी पहुँचाता है। ये देखिए, अब ये खीरे का जूस निकल चुका है। अब मैं इसी तरह से आलू का जूस भी निकालूंगी छलनी से स्ट्रेन करके। दोस्तों, आलू भी हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारे स्किन को लाइट करने में मदद करता है। आलू में विटामिन सी और ए पाया जाता है, साथ ही इसमें स्टार्च होता है। स्टार्च हमारी आँखों के नीचे आ रही स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है, साथ में इसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, न्यूरिश करते हैं, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट और ब्राइट बनती है। आलू और खीरे का रस मैंने निकाल के रख लिया है। अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे एक ग्लास में। आप इस ग्लास में दोनों को ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए।
अब ये देखिए, ये आपका एक इसका पार्ट तैयार हो चुका है सीरम का। अब इसमें हम ग्रीन टी ऐड करेंगे। ग्रीन टी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसमें भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही ये हमारे ब्लड वेसल्स को ठीक करती है जो श्रिंक हो रही हैं आई के नीचे, और उसमें ब्लड फ्लो ठीक होता है जिसकी वजह से डार्क सर्कल कम होने शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों हम एक बोल लेंगे, बड़ा बोल, जिसमें हम ये ग्रीन टी और ये आलू और खीरे का रस मिलाएंगे ठीक से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाफ कप अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो हाफ कप ही ये मिक्सचर होना चाहिए आलू और खीरे का। इसको अच्छी तरह से मिलाइए चम्मच की हेल्प से। अब इस मिक्सचर में मैं एलोवेरा जेल ऐड करूंगी और रोज़ वाटर भी ऐड करूंगी। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, चाहे तो नेचुरल लीफ वाला एलोवेरा जेल भी इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपको एक चम्मच डालना है इस मिक्सचर के अंदर और अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही हमारे अंडर आई स्किन के लिए भी अच्छा होता है। ये पिगमेंटेशन को लाइट करने में मदद करता है, साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। अब इसमें हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये बड़ी चम्मच है, इसमें आप 2 डाल रहे हैं, अगर छोटी चम्मच है तो आप 4 टेबल स्पून ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करिए। रोज़ वाटर में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, साथ ही ऐसे मिनरल्स जो हमारी स्किन को टाइट करते हैं, साथ ही पीएच लेवल को भी बैलेंस करने में मदद करते हैं और आँखों में ठंडक भी पहुँचाते हैं, उनको रिफ़्रेश करते हैं। अब आइए मैं बताती हूँ इसको आपको किस तरह से अपनी आईज़ पे यूज़ करना है। सबसे पहले आप इस मिक्सचर को फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद आप कॉटन पैड ले सकते हैं या फिर घर में जो आपके पास कॉटन है उसके पैड बना सकते हैं यूज़ करने के लिए। ये देखिए मैंने कॉटन लेके इस तरह से इसको फ्लैट कर लिया है, पैड बना लिया है आई पैड की तरह। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ये जो मैंने आई सीरम बनाया है इतनी सारी चीज़ों को ऐड करके वो इस पे डालूंगी फ्रीज में रखने के बाद। दोस्तों इसको ठंडा ही यूज़ करिएगा, ये तभी फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से आप इस पे लिक्विड डालिए और हल्का सा इसको निचोड़ लीजिए जिससे ये फेस पे ना आए और इधर उधर ना फैले। अब ये आपके आई पैड तैयार हैं यूज़ करने के लिए। आप इन आई पैड्स को कम से कम 20 मिनट के लिए अपनी आईज़ पे रखिए और आप इसको रोज़ यूज़ करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो अब आइए दोस्तों सेकंड टिप पे चलते हैं। सेकंड मेथड क्या है, आप आलू की स्लाइस बनाइए इस तरह से, और इसी तरह से आप खीरे की भी स्लाइस बना सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को आप यूज़ करिए। इन स्लाइस को अपनी आईज़ के ऊपर रखिए 20 मिनट के लिए और थोड़ी देर रहने दीजिए इसका इफ़ेक्ट आने के लिए। इससे आपकी आंखों के डार्क सर्किल धीमे धीमे कम होने लगेंगे और फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं टिप थर्ड पे। थर्ड टिप है आमंड ऑयल। आप बादाम के तेल से अपनी आंखों में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मसाज करिए। बादाम का तेल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन लाइट और ब्राइट होने लगती है। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं बताती हूँ फोर्थ टिप है रोज़ वाटर। सिंपली आप उसी तरह से आई पैड या फिर कॉटन लेके पैड बना सकते हैं और इसमें कम से कम 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर डाल के और इनको आप फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए जिससे ये ठंडे हो जाएं, और फिर अपनी आईज़ पे लगाइए 20 मिनट के लिए। इससे भी आपको डार्क सर्किल में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरे 4 बेस्ट होम टिप्स जो आप आसानी से घर पे यूज़ कर सकते हैं और अपने डार्क सर्किल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अच्छे वीडियो के लिए मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।